नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वाहेगुरु जी वाहेगुरु साहिब जी। ओम वाहेगुरु जी। ज्ञान ध्यान कर्म न जान वाहेगुरु जी। सार न जान तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। राग देव गंधारी महला पांचवां घर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हाँ बल बल जाम गावन पावन संतन तोर चरण वहां के पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सांब दिन के समरथ पंथ बिठले सांब दिन सारे दिन के मैंने दे सारे दिना दे समरथ सारे दिना दे समरथ पंथ पंथ मैंने रस्ता पंथ दा अर्थ है मनुख दी जिंदगी इंसानी जामा इनू भी पंथ कहा गया है। असली पंथ ये हुई है ए जीवन दे पंथ विच चलदियां होयां वाहिगुरु पिता जी दी प्राप्ति करनी। बिठोले बिठोले दा अर्थ है बैठा होया। सारे दिनां दे विच अपनी समर्था नूं कायम रख के बैठा होया जो ना कदी वधदा है ना कदी घटदा है
सदा इको जहा रहा तो टिकाओ बिच है, बाकी सब कुछ गुजरता है पर आप सदा ही कायम है। हाँ बल बल जाऊं सचे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, गुरमुखो असी ओदे तो सद के जाते हाँ, तुसी भी उस तो सद के जायो। मट्टी दे बने हुए पांच भूती शरीरां दी पूजा नहीं करनी, परमेश्वर नूं सत रूप जान के सदा कायम जान के आते अपने वजूद विच शोभत जान के शरीर नूं एक पंथ जान के परमेश्वर दी उपासना करनी। उपासना का अर्थ है सुरती बिरती करके पास बैठना, एकाग्रता बना के वाहिगुरु जी की मौजूदगी अपनी प्रतीति विच लेके आयो। असी भी उसे तो ही सद के जाते हाँ। हाँ बल बल जामो गावन पावन संतन तोरै, हे प्रभु सारे संत तैनू ही गाउंदे हन। भगत जय देव जी पहले संत ने, उन्हां तो पहला भी संत होए है, उन्हां दा जिक्र नहीं आया, संत पहला भी बहुत होए है। असी जिन्हां संतां नूं जाणदे हाँ उन्हां दे विच पहले संत जय देव जी महाराज ने। रामानंद जी महाराज ने, संत साधना जी महाराज ने, फिर नवी लड़ी टुरदी है जिहड़ी लगातार चलती है वो गुरु नानक साहिब महाराज ने, ये भी सारे संत ही ने, ये सारे ही गाउंदे हन। गावन पावन परमेश्वर नूं पाउंदे हन, जदों गाउंदे ने परमेश्वर दी भावना दे अनुसार ही गाउंदे हन, आप नहीं गाउंदे। चरण आंकै पावों, हजूर कहिंदे ने असीं उन्हां संतां नूं मत्था टेकदे हाँ, उन्हां दे चरणां विच अपना शीस रखदे हाँ, उन्हां महापुरशां तों सद के जांदे हाँ जिन्हां ने वाहिगुरू पिता जी दा साक्षात दर्शन कीता है, जिन्हां दे लई वाहिगुरू जी प्रगट ने, गुप्त नहीं हन। उन्हां संतां तों परमेश्वर दा दर्शन जिहड़े देख देख के जांदे ने, उन्हां दे चरणां विच असीं मत्था टेकदे हाँ। जासन बासन सहज केल कारो नाम है, जासन दा अर्थ है सात संगत जी, जस बासन दा अर्थ है भांडा। अजिहे संत जिहड़े ने परमेश्वर दी वडियाई दे भांडे हन, परमेश्वर दे प्यारियां दे जीवन नूं भांडा कहे, वैसे तां सारे वजूद ही भांडे हन,
आपे भांडे सांझे हन हुणे सुणिया रागियां तों के सारे भांडे आपां भी सारे भांडे ही हैं जिन्ने बैठे आपां भांडे इस्त्री नूं भांड कहता इस्त्रियां भांड सरूप ने पुरश भांडे सरूप ने पर ये भांडे सोभदे उही हन जिन्हां भांडियां दे विच वाहिगुरु पिता जी का जस है परमेश्वर पिता जी नूं छड के जिन्हां दे अंदर कोई होर जस है वह भांडे छलकदे रहिंदे हन जिन्हां दे अंदर वाहिगुरु जी का जस है वह सहज केल कारोनाम है सहज का अर्थ है टिका केल का अर्थ है खेड उन्हां दे लई जीवन एक खेड है बाकियां दे लई यथार्थ है बाकी इहनूं सच समझणगे इहनूं सच समझणगे इहदे मोह विच फस के पाप करनगे परमेश्वर दे प्यारे इहनूं भांडा समझदे है यह भांडे की उत्तमता इन्नी जानते हैं कि ये वाहिगुरु पिता जी का जस पाया जा सकता है वो ये पा लेंदे है तो ये भांडे के नाल खेडते ही रहिंदे है जे मैं छोटिया बच्चिया निके निके भांडे लेके खेडदियां आपां देखदे सी पिंडां विच बच्चिया ने गड्डे लैने बैल लैने ट्रैक्टर लैने जड़िया बच्चिया होंदिया उन्होंने अपने हिसाब नाल निके निके भांडे जमा कर लेंदिया ते खेडदिया हजूर कहिंदे ने जिहड़े संत लोग ने शरीर नूं भांडा जाण के बस खेडदे हन इहदे तों जिस काम दे लई भांडा यूज होना यूज कर लेंदे है एक अनंत अनुपैठां एक ता अनंत है जिस दी सिफत सलाह करदे ने वो अनंत है अंत कोई नहीं ते जिस रूप विच रहिंदा है उहदी उपमा भी नहीं कीती जा सकदी माया दी कोई भी उदाहरण परमेश्वर दे नाल नहीं दित्ती जा सकदी संसार दीयां चीज़ां नूं एक दूजी नाल तुसी तुलना करी जाओ कि सोना इन्ने भाव दा है इन्ने पैसे लगदे है तां तुलना हो गई हर एक चीज़ की तुलना तुसी संसार की एक वस्तु की दूजी नाल कर सकते हो परमेश्वर की नहीं कर सकते वाहिगुरु जी का थां अनूप है उपमा तो रहत है ताही भगत जयदेव जी ने पहला वचन यह किया कि परमाद पुरख मनो पिमं परमाद फिर दूसरा शब्द पुरख मनो पिमं जिस दी उपमा नहीं हो सकती परमाद है ते पुरुष मैंने जो सदा कायम है पर उपमा नहीं हो सकती भावों के बारे समझाया नहीं जा सकता किसी भी रूप में दसिया नहीं जा सकता बाणी अंदर भी इशारे ही हैं परमेश्वर का व्याख्यान नहीं है
परमेश्वर पिता का बखियान गुरबाणी विच नहीं है, परमेश्वर दे बारे दस्या होया है कि किवें उहनूं तुसीं पा सकदे हो। पाउण दा साधन दस्या है, पाया जाऊगा उहदी उपमा नहीं है। हरिद सिद्ध निद कर तल जग जीवन, हरिदियां ते सिद्धियां, निद निदी मैने खजाने, भाव जिन्निया भी विभूतियां ने, जितनी माया है ये सारी परमेश्वर दे हाथ दी तली उत्ते है, इउं समझ लो। तां हुण तली उत्ते पई हुई चीज जिसने तली ते रखी है उहदे बारे की बयान करूगी। तुहाडी तली दे उत्ते कोई भी चीज है फिर जड़ रूप है, तां तुहाडा बयान किवें करूं। नेत्र साडे जड़ रूप ने, कन्न साडे जड़ रूप है, जबान साडी जड़ रूप है, परमेश्वर बारे किवें बयान करूं, नहीं कर सकती। तो यह सारी माया भी इकट्ठी हो जाए तां भी परमेश्वर की वडियाई नहीं दस सकती, ये उहदी तली उत्ते है। तो जिहड़ी तल उत्ते चीज है, जिस दी तली उत्ते उन्हें तो अपनी तली उत्ते रखी हुई है, उहदे बारे की बयान करूं। सरहब नाथ अनेकै नाम, मालक सारिआं दा है ते हर एक ने अपने ढंग नाल उहदा नाम रख लिया। परमेश्वर पिता सारिआं दा मालक है ते सारिया ने ही उहदा नाम रख लिया। मुसलमाना ने अल्लाह जां होर भी सिफाती नाम उन्हां रखे। गुरमत दे अंदर भी एक नाम है, बाकी सिफाती नाम ने। सत नाम परा पूर्वला, बाकी सिफाती नाम है, सिफती नाम ने। सत नाम विच परमेश्वर की लखायता होंदी है। इस तरह अल्लाह शब्द जिहड़ा है इहदे विच वाहिगुरु की लखायता होंदी है, सत रूप की, बाकी सिफाती नाम है। करीम रहीम इत्यादि इउं ही सारे हिंदू धर्म के विच ओम है, बाकी सारिया सिफतां ने। तो साहिब कहिंदे ने सारिआं दा मालक है ते नाम अनेकां ने, ते नाम समझ के भाई भुलेखा ना खाजी। नाम समझ के भुलेखा ना खाजियो, नाम रखे हुए है रखण वालिआं ने। परमेश्वर पिता सत रूप है, सत नाम उहदा कोई नाम नहीं है, यह उहदा गुणवाचक है कि परमेश्वर पिता जिहड़ी सत शक्ति है हमेशा कायम रहण वाली है, वह सत नाम है। तो नामां दे भुलेखे विच ना पाओ भी कोई राम कहिंदा है ते घट है, अल्लाह कहिंदा है ते घट है, ते वाहिगुरु आपां कहण वाले ज्यादे हाँ, जां जिवें मुसलमान समझदे आ भी अल्लाह उहदा असली नाम है, बाकी नाम एवें लई जांदे आ ते बोलदा नहीं, उहदे ही नहीं। ते उहों ही हिंदू वीर समझदे आ भी ओम उहदा नाम है, बाकी सारे नाम उहदे बिगड़े हुए। पर गुरमत कहिंदी है कि सारे ही नाम उहदे है, ते कलगी धर्म महाराज कहिंदे उहदा कोई भी नाम नहीं। अनामे अठामे जाप साहिब दे अंदर फरमाया ना उहदा कोई
ठां है, ओदा कोई थां नहीं भाई, पर सारियां थावां उसे दियां ही नहीं। जे कोई कहे भी वो काबे विच है जां वो किसे होर थां दे उत्ते है, जां आपां भी कह दिए भी श्री हरिमंदर साहिब दे विच ही आ, होर किते है नहीं, तां यह भी गुरु बचना की उलंघना। महाराज कहिंदे आ सारियां थावां उहदियां, क्यों उहदियां, क्योंकि उसे नहीं बनाईयां, तो जिने जिहड़ी चीज़ बनाई है उसे दी रहूगी, दूसरा नहीं उहनू अपनी बना सकदा। परमेश्वर दी सारी वस्तु है, परमेश्वर इहदा मालक है, इंसानां दा भी वह मालक है, हवानां दा भी वह मालक है, समुंदरां दा भी वह मालक है, धरतियां दा वह मालक है, सारी उसे दी मालकी है, अनेकां उहदे नाम ने। इस तरह अपने दिल दियां परतां नूं खोल के वड्डियां करना, इहदे विच बड़ियां महाराज कहिंदे ने वट्टां पईआं होईआं ने। पिंडां दे विच जिहड़ा कोई अमृत छक लैंदा उहनूं लोकी मखौल करदे ते की कहिंदे कि उह कशहरे वाला आ गया, इह कहिंदे ते हुण वी कहिंदे है। दुनिया तो ओहो जी हुई है, किहड़ा सुभाअ बदल गए, ते नाल ये भी कह दिंदे कि जिन्ने दे कशहरे च वट पैंदे आ उन्ने दे मन विच वट है, ये भी कह दिंदे, क्योंकि हुण ये जदों दा इसने अमृत छकिया है ये दूसरे किसी नूं बंदा ही नहीं समझदा, ते अपने आप नूं पूर्ण समझन लग पे। तो गुरु साहिब जी कहिंदे आ भाई नहीं, मन दे विच वट नहीं आउण देना, कशहरा जत सत दी निशानी है, अमृत दे पंज कक्कियां दे विचों इको दा स्थान है, पर मन दे विच ना तुहाडे वट पवे, तुसी गुरसिखो सारे नाम वाहिगुरु दे जानने। ये बचन गुरु नानक साहब जी ने कीता जदों ना फरमाया, बाबा जी नूं पुछया कि गुरु साहब जी तुसी केड़े नाम नूं प्यार करदे हो, दसो तुसी केड़े नाम नूं कहिंदे हो, भी आ नाम लो। तां अगो सतगुरां की किया, ध्यान नाल सुनो, बाणी दा बचन है, कहिंदे बलिहारी जावां जेते तेरे नाम है। सतगुरु महाराज कहन लगे असी तां सदके जाने हैं, जिन्ने नाम ने वाहिगुरु दे सारे ही उसे दे, मेरे प्यारे दे ही नाम। बच्चा है, माता पिता ने एक नाम रखता, एक नाम उहदा नानकिया ने रखता, नानी कहिंदी मैं तां इस नाम नाल दोतरे नूं बुलाऊंगी, दादा कहिंदा भी मैं तां अपने हिसाब नाल इहनूं लड्डू कहना, मैं तां इहदा नाम अपने हिसाब नाल ही लऊंगा। बच्चा इक्को ही है, मां प्यो ने नाम उह रख्या जिहड़ा कागजां पत्तरां दे विच भी लिखना। दादा जी ने भी नाम रखता, नानकिया अपना नाम देता, जिन्हां साथियां नाल बाहर खेड़दा उन्हां इक अपना नाम देता, जदों वड्डा होया दोस्तां ने इक होर नाम रखता, ते पता नहीं इक बंदे दे किन्ने नाम हो जांदे है,
ते जेड़ी पूर्ण सत्या है जुगो जुगा टल ते उहदे नामां दा कौन कोई अंत जाने। महाराज कहिंदे भाई बेअंत उहदे नाम ने अनेकां नामों थां उहदा रूप दस्सिया के जिथे वसदा है केड़ी थां ते नहीं वसदा, हर थां दे उत्ते उह वसदा, इसलिए थां अनूप है। ते नाम अनेका ने दया मया किरपा नानक को हजूर कहिंदे ने हे प्रभु मेरे उत्ते तां तेरी दया बहुत है, बख्शिश बड़ी है, किरपा बड़ी है। नानक कहो नानक गुरु अर्जन साहब जी दे उत्ते तां तेरी बड़ी किरपा है। केड़ी किरपा के मैनू नहीं इहो जे भुलेखे पए कि फलाना नाम वह लैंदा है फलाना वह लैंदा है। ते गुरु अर्जन साहब की बाणी विच इहदी वार वार व्याख्या कीती है गुरमुखो, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसइयां कोई अलाए, कारण कर्म करीम किरपा धार रहीम। फिर अखीर उत्ते रिजल्ट सिट्टा कढ़िया कि कहो नानक जिन हुक्म पछाता। भाई नाम तां कोई भी ले जाओ पर दिल विच भी प्यार है कि नहीं, और जिसने उहदा हुक्म पछाणिया उहदा है। सुन सुन जस जीवावो, सुन सुन के महाराज कहिंदे वाहिगुरू दीआं वडियाईआं। सानू तां चाह चढ़ जांदा भाई फलाना भी वडियाई कर रहा मेरे वाहिगुरू दी, मेरे बच्चे दी। जिस तरह मां कहिंदी है के दोस्त भी वडियाई करते है, टीचर भी वडियाई करता है, जिथे हम काम ते लग्या उत्थे भी वडियाई हुंदी है, तो सारे वडियाईयां करते है, चंगे लगते है। भगतां नूं परमेशर की वडियाई कोई भी करे किसी भी रूप विच करे उन्हां नूं बड़ी चंगी लगती है, वह सुन सुन के जिउंदे हन। तो गुरु मेहर करे होईआं फुल्लां बख्श लैणीआं जी, सतगुरु सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शे, धन्नवाद सारिआं दा। ते हुण आप जी दी सेवा विच तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी दा प्रसिद्ध रागी जथा भाई गुरप्रीत सिंह जी अते उहनां दे साथी अमृत बाणी सरवण करा रहे ने। इहनां तों उपरंत पंथ दी महान हस्ती माणयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले वह तुहानूं गुरुआं दा इतिहास सरवण कराउणगे। प्यार सत्कार सहित गुरु फतेह गुरु चरणा विच सीस चुका के बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।